हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपकी न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो आपकी अग्निवीर बैच 01-2024 के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी नोटिफिकेशन की वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके फॉर्म स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अग्निवीर इंटेक 01/2024 के लिए आप लॉगिन करेंगे। आप क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आप जब ये पूरा नाम अपना यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है वो आपको डाल देनी है और आपकी वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपके जनरेट ओटीपी पे आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे आपके ओटीपी और आपकी ईमेल आईडी आएगी। कैप्चर कोड आपको यहाँ पे भर देना है, वेरीफाई करना है और लॉगिंग आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो यूजर आईडी है जो आपकी ईमेल पे और आपके मोबाइल पे आपके जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो आपकी जो ईमेल पे आपकी जो यूजर आईडी आई है और आपका जो पासवर्ड आया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड भरना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। आपको यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना होगा जो आपका 8 से 16 कैरेक्टर्स में आपका यहाँ होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस और नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये बनाना होगा। जैसे कि हम आपको यहाँ बता देते हैं कि आपका यहाँ पे अपर केस, फिर उसके बाद आपका लोअर केस, फिर आपका यहाँ पे नंबर्स, उसके बाद आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आपके दिए हुए हैं तो उसमें से आप कुछ भी आप ये चूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल देंगे, फिर री एंटर न्यू पासवर्ड करेंगे, कैप्चर कोड भरेंगे और आप यहाँ पे रिसीव माई पासवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे इनको अच्छे से आपको रीड आउट कर लेना है कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उसके रीड आउट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका हुआ तो ये सभी जो आपके पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे अच्छे से आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप जब रीड आउट कर लेंगे आप आई एग्री यहाँ पे करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कुछ तो आएगी और कुछ आपको भरनी है। जैसे कि आपके फादर नेम है वो आपको यहाँ पे भर देना है। आपका फादर नेम भरने के बाद आप अपनी जो मदर नेम है वो आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे आपकी डाल देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो कैलेंडर में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर AIS में सर्विस एम्प्लॉयमेंट है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो अनमैरिड आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है तो वो आपको यहाँ पे भर लेनी है। तो जैसे कि आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी अलग अलग यहाँ पे दी हुई है, 10+2 इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग विद आपकी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, आपकी 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, यानी आपकी जो यहाँ पे अलग आपकी 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप डिटेल में। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी 10+2 आपकी यहाँ पे होनी चाहिए विद आपकी जो 50% मार्क्स के साथ और प्लस में आपके एग्रीड 50% मार्क्स आपकी इंग्लिश में यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको यस ही आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपकी जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो आप यस यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपकी जो आपका उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी सेलेक्ट हिस्ट्री में साइंस है तो आप अपना सब्जेक्ट साइंस करेंगे साइंस। और उसके बाद आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आपके जो अदर सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास साइंस या नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप आर्ट्स है कॉमर्स है तो उनको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने जो अदर सब्जेक्ट हैं साइंस से वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको ये सब अपनी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। नहीं तो आप जैसे साइंस है तो यस करेंगे। साइंस के अपने जो सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हैं कितने आपके परसेंटेज होनी चाहिए, कौन से आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अदर साइंस में आपके सब ये डिटेल आप यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। आपका बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके उसके बाद आपके एग्रीगेट जो आपके परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए 10th में और आपके जो इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप ही अपने जो परसेंटेज है वो आप
यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे दे रखा है कि 59.99 है, तो आप उसको 60 नहीं डालेंगे, उसको आप 59 ही यहाँ पे आपको डालना होगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह अपनी परसेंटेज डाल देनी है। आपका स्ट्रीम है जो आपको परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर सीजीपी करते हैं, सीजीपी आ जाए, ग्रेड का सिस्टम है, तो आप ग्रेड का अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो डिटेल है, तो आपके जो इंग्लिश में, आपके मैथ में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में आपके जो सब्जेक्ट है, तो आपके ऑप्टेन मार्क्स, आपके जो ऑप्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपके जो टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह आपको मैथ में भी इसी तरह आपके ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और सब्जेक्ट वाइज आपकी परसेंटेज, फिजिक्स में भी आपको ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और सब्जेक्ट वाइज आपकी परसेंटेज डालनी है। बायो लॉजी में भी आपको इसी तरह करना है। और उसके बाद आपका कंप्यूटर में आपको नॉलेज है तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग है कंप्यूटर में, आपकी जो बेसिस, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बतानी है, तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कर देना है, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपका जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको स्टेटस है जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टेटस, तो आपका वहाँ पुशिंग है या कंप्लीटेड है, डिसकनेक्टेड है या नॉट एप्लीकेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आपके जो स्टेटस इंजीनियरिंग स्ट्रीम है तो वो आपकी आपको सेलेक्ट करनी है, सेव आपको यहाँ पे कर देना है। सेव करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे टेंथ की आपकी मार्कशीट है, आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ट्वेल्थ की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड आपको कर देना है, सेव करना है। आपकी यहाँ पे डीजी लॉकर में अगर आपकी यहाँ पे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट पड़ा है, तो आप इसको यहाँ पे डाल देंगे। आपको अपनी जो इसको सेव आपको अपलोड करना है, सेव करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो कंट्री है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो यहाँ पे विलेज है, टाउन है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप करेंगे, और पिन कोड नंबर आप यहाँ पे भर देंगे। ये सब डिटेल भरने के बाद आपका यहाँ पे आता है आधार कार्ड नंबर, तो आपको अपना जो बायो डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप सेम एस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो डोमेंसिल स्टेट है और डोमेंसिल आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको यहाँ पे अपनी जो बॉडी पे अगर आपकी कोई मार्क्स है तो आप वो अपना जो मार्क्स है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली नो मार्क्स आप यहाँ पे कर देंगे। कैंडिडेट की अपनी हाइट है वो आप यहाँ पे अपनी हाइट डाल देंगे। आपकी चेस्ट साइज है तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो वेस्ट साइज है वो आप डालेंगे। आपकी शू साइज इंडियन साइज के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है। और इसके लिए आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में जाके भी एक बार चेक कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप नाप के अपनी जो साइज डिटेल है फिजिकल वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जब ये आप पूरी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी एडिशनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे नीचे भर देनी है। पता है कि आप एनसीसी कैडेट है तो यस नो करेंगे। आप अगर चिल्ड्रन सेविंग सर्विसिंग में है या आपकी और जो अलग अलग आपकी जो यहाँ पे डिटेल दे रखी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज स्टेट में है, तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपको यहाँ पे चूज कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ आता है कि आपका एनी रीजिंग वर्क अगर आपने कोई करा है तो आप करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका कोई नॉलेज है तो आप करेंगे। आपके अदर स्किल क्वालिफिकेशन है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फिर आपके कोई अगर स्पोर्ट्स में आपकी कोई डिसिप्लिन तो आप यस नो करेंगे। आपकी इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको कोई नॉलेज की जानकारी है तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको यहाँ पे अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी मेडिकल हिस्ट्री डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। इसके बाद आपका आता है फोटो एंड सिग्नेचर, तो आपका यहाँ पे जो फोटो है सिग्नेचर आपको यहाँ पे देके रखा है, तो फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे डालना है। पर इसके लिए आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है, ब्राउजर पे फाइल सेलेक्ट करके आपकी फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आपको डाल देना है। पर उसके लिए आपको जो ये नाम दे रखा है वो आपको यही नाम से आपको फाइल है वो आपकी बनी होनी चाहिए, और इससे ही आपको यहाँ पे अपलोड आपको करना है। तो आप जैसे कि आपकी फोटो के लिए आपके पासपोर्ट
फोटोग्राफ है वो आपकी फाइल इसी नाम से बनी होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर है वो आपके यहाँ पे इसी नाम से आपके होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे ये अपलोड आपकी आप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी सिग्नेचर के लिए आपकी सिग्नेचर नाम होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन के लिए आपकी फाइल हो थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए, हमने इसी तरह आपकी फाइल बना रखी, तो इसलिए ये सिंपल यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो आपको इसी नाम से अपनी फाइल है वो आपको बनानी है और इसको अपलोड आपको सिंपली कर देंगे। तो आपकी फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आप अपलोड इजीली कर देंगे। तो इन्हीं नाम से आपको फाइल अपनी बनानी है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम सिटी है, प्रेफरेंस है फीस फर्स्ट के लिए, तो आपकी जो फर्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस है तो उसके लिए स्टेट आपको आपकी सिटी है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपकी जो सेकंड सिटी है वो आपको यहाँ पे आपकी स्टेट है सिटी है वो आप चूज कर लेंगे। फाइव आपको ये आपके प्रेफरेंस दी हुई है, तो आपकी जो स्टेट है और सिटी है वो आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपको चूज करनी होगी। तो आप पांचों में अपने अकॉर्डिंग ये आपकी जो स्टेट है और आपकी जो जो सिटी है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे आपका आता है फिर सेकंड के लिए, तो फिर सेकंड के लिए भी इसी तरह जो आपकी आप एएससी आपकी प्रेफरेंस है वो आपके यहाँ पे 12 प्रेफरेंस आपको दी हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेफरेंस है तो 12 आपकी जो प्रेफरेंस है वो एएससी की आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सभी अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब जब आप सारी सेलेक्ट कर लेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे आप जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जब जाएंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है प्रीव्यू है, उसको आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कुछ चेंजेज आपको करनी है तो इधर ऑप्शन में जाके आप चेंजेज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेस है अपना वो आप यहाँ डाल देंगे। जब आप प्लेस यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद आपका डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्री कर देना है और एग्री करने का कंटिन्यू टू पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक आप करेंगे। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ने होंगे। आप यहाँ पे पेज फर्स्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। तो अपना जितना ही पेमेंट लगता है आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जिससे भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो पेमेंट है मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो लेके आपको संभाल के फीचर्स के लिए रख लेना है। इस तरह आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।